20 अप्रैल सूर्य ग्रहण, ग्रहण कितने बजे लगेगा, भारत में कहां कहां दिखेगा, किस राशि की चमकेगी सोई किस्मत। दोस्तों, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण के ठीक दो दिन बाद अक्षय तृतीया का पर्व भी पड़ रहा है। इस बार का यह साल 2023 का सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को लग रहा है। सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले हनुमान जयंती मनाई गई थी और दो दिन बाद अक्षय तृतीया का पर्व भी है और ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इस बार सूर्य ग्रहण मेष राशि में और अश्विनी नक्षत्र में लग रहे हैं। और दोस्तों, मेष राशि में सूर्य बुध और राहु की युति भी बनी हुई है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहों के सेनापति मंगलदेव मिथुन राशि में रहेंगे। मेष राशि में लगने के कारण मेष राशि के स्वामी मंगलदेव हैं, तो ये मिथुन राशि में रहेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। बृहस्पति देव इस सूर्य ग्रहण के दरमियान मीन राशि अपने स्वयं की राशि में रहेंगे और केतु यहां पर तुला राशि में रहेंगे। और साथ ही साथ यहां पर अगर बात करें शुक्रदेव की, तो ये वृषभ राशि में रहेंगे। तो इस बार के सूर्य ग्रहण पर कई अशुभ योग भी बन रहे हैं, जिनसे बचने के लिए मैं वीडियो के लास्ट में उपाय भी बताऊंगा। इस बार सूर्य ग्रहण के दौरान कई अशुभ योग भी बन रहे हैं, हालांकि कई शुभ योग भी बन रहे हैं, लेकिन कई अशुभ योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा, तो आपको संभल के रहने की सलाह भी दी जाती है। सूर्य ग्रहण के समय कई ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होता है सूर्य ग्रहण? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसकी जो छाया होती है वो पड़ती है और हम पृथ्वी तक यानी कि छाया पूर्ण रूप से सूर्यदेव की नहीं पड़ पाती है, नहीं दिखाई देती, जिसके कारण यानी कि हमारे धरती पर छाया आ जाता है या यूं कहे कि ढक जाता है, जिससे कि सूर्य ग्रहण पड़ता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो राहु सूर्य को ग्रसित करता है, राहु केतु सूर्यदेव को ग्रास बनाते हैं, इसी को हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। क्योंकि राहु के मुख तो है लेकिन उनके धड़ नहीं है, तो कुछ मिनटों के बाद, कुछ समय के बाद जो हमारे सूर्यदेव होते हैं ये उनके चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण भी ऐसे ही पड़ता है, क्योंकि राहु केतु ही इनको भी यानी कि ग्रसित बनाते हैं, तो चंद्र ग्रहण भी पड़ता है। तो साल का यानी कि यह पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को यानी कि दिन गुरुवार को पड़ेगा और भारत में ये सुबह 20 अप्रैल को भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:04 पर दिखाई देगा, शुरू हो जाएगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण का सूतक काल यानी कि 19 अप्रैल को शाम 7:04 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है। तो सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। और साथ ही साथ बता दें कि चूंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण है मेष राशि में यानी कि लग रहा है, अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, तो कहां कहां दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिणी एशिया में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा, साथ ही प्रशांत महासागर में भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत सुंदर है, अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप भी ग्रहण के कुछ प्रभाव से लपेटे जाएंगे, ग्रहण आपको भी लपेट सकता है, आपकी जिंदगी को तनाव यानी कि तनावपूर्ण कर सकता है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको समय पर जानकारी मिल जाए, क्योंकि हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे, सही समय पर पहुंचे और सटीक जानकारी पहुंचे। तो आइए जानते हैं कौन से बातों का ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण के दरमियान। तो ग्रहण के दौरान इनकी यात्रा करने से बचे, क्योंकि ग्रहण के समय यात्रा करने से काल का योग कहा जाता है, यानी कि इसमें काल योग बनता है। तो ग्रहण के साथ यात्रा करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने की खतरा बने रहते हैं। ग्रहण के दौरान घर पर ही रहें और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और कोशिश करें कि ग्रहण की रोशनी आपके घर के अंदर तक प्रवेश ना करें। खासकर गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, धारदार वाली वस्तुएं ना छुएं। और साथ ही साथ बता दें कि पूजा पाठ बिल्कुल ना करें, मंदिर के कपाट बंद कर दें,
खान पीन की चीजें बिल्कुल ना खाए पिए, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेशित हो जाती है। और साथ ही अगर आपने पहले से बना लिया तो उसमें तुलसी दल जरूर डाल दें। ग्रहण काल के समय पूजा पाठ ना करें, धार्मिक चीजें बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ इस समय आप मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का, गायत्री मंत्र का, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल के समय सूर्य के मंत्रों का जाप करें, ओम सूर्य देवाय नमः, और इसमें भगवान के नाम का उच्चारण करें। ग्रहण काल के बाद आप पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव से, यानी कि बढ़िया से छिड़काव करके शुद्ध कर दें, और फिर कोशिश करें कि कुछ ना कुछ दान जरूर करें। दोस्तों बता दें कि इस बार का यह सूर्यग्रहण काफी प्रभावशाली सूर्यग्रहण, खासकर गर्भवती महिलाएं यानी बाहर न निकले, और चाकू सुई कैंची इत्यादि यानी धार वाली वस्तु बिल्कुल न छुएं, क्योंकि इस बार का यह जो सूर्यग्रहण है यह काफी प्रभावशाली सूर्यग्रहण और काफी लंबा है और भयंकर सूर्यग्रहण रहने वाला है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सूर्यग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बचने के सरल उपाय वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए, और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप लोगों को कितना फायदा होता है जब हमें कमेंट के द्वारा आप बताते हैं तो हमें काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है। तो आप लोग यानी कि ज्यादा यानी जनहित के लिए सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आपकी राशि पर इसका प्रभाव अशुभ बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण पड़ेगा मेष राशि पे, तो इसी के साथ किसी भी प्रकार के घात हो सकते हैं। आपको ग्रहण के समय में घर पर ही यानी रहना है, वाहन नहीं चलाना है, साथ ही बाहर नहीं निकलना है, वाहन गाड़ी वगैरह बिल्कुल ना चलाएं, झूठ कपट से दूरी बनाए रखें। आप लाल वस्तु का दान करें, जैसे कि मसूर की दाल का दान करें, बजरंग बली की पूजा आराधना करें, तो आपको विशेष लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों को बात करें तो देखिए आपके लिए भी ये यानी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इसमें यानी कि स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती है, खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चे बढ़ सकते हैं, घर में किसी भी परिवार के सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, या फिर यात्रा अगर करते हैं विदेश संबंधित थोड़ा सा बचिए। आपको सफेद चीजें दान करें, जैसे कि आपको दूध वगैरह का दान करें, वस्त्र का दान करें, चावल का दान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को आपको बता दें कि आपके लिए लाभदायक रहेगा, बहुत ही अच्छी आपकी किस्मत चमकेगी, सोई किस्मत चमकेगी, बेरोजगार है तो रोजगार मिलेगा, गाड़ी वाहन का सुख, मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा, साथ ही कई प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। इसमें हरी वस्तुओं का दान करें, हरी वस्तु का दान करने से आपको लाभ होगा, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि जातकों आपको व्यापार में उपलब्धि प्राप्त होगी, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, कारोबार में भी विस्तार होगा, सोई हुई किस्मत चमक जाएगी आपकी। आपको इसमें यानी कि आपको चावल वगैरह का दान करें, भगवान शिव शंकर जी की पूजा आराधना करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बात करें अगर हम यहाँ पर सिंह राशि की, तो सिंह राशि जातकों आपके लिए यह सूर्यग्रहण यानी कि भाग्य में वृद्धि कराएगा, भाग्य को तेजी से बढ़ाएगा, यात्रा धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धर्म कर्म के कार्य कर सकते हैं, पिताजी से सहयोग की प्राप्ति होगी, तो आपके लिए काफी अच्छा और काफी शुभ फल रहेगा, आपकी भी सोई हुई किस्मत चमकेगी। तो इसमें आपको यानी कि मसूर की दाल, लाल चीजों का दान करें, बजरंग बली की पूजा करें, सूर्यदेव की आप आराधना करें, सूर्यदेव की पूजा पाठ करें, ओम सूर्यानम इस मंत्र का जाप करें, तो आपके लिए ये उपाय बहुत कारगर रहेगा। बात करें अगर कन्या राशि की, तो कन्या राशि जातकों आपके लिए खतरा हो सकते हैं, गाड़ी वाहन से धन हानि हो सकता है, अचानक आपको बीमार पड़ सकते हैं, अचानक आपके काम में रुकावट आ सकती है, या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी न किसी कारणवश से आपको हानि जरूर पहुंचेगी, अचानक से आपके बिजनेस व्यापार या करियर में दिक्कतें आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु जी के और जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें, सारी समस्याएं टल जाएगी। तो आपके लिए सूर्यग्रहण यानी कि अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बात करें तुला राशि के लिए, तो देखिए आपके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा, आपके जीवन साथी से कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं, पार्टनर में बिजनेस व्यापार करते हैं थोड़ी सी दूरियां बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको इस समय यानी कि ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, ज्यादा बेहतर होगा, सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। बात करें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, देखिए आपको इसमें लड़ाई झगड़े से दूरी बनाए रखना होगा, खासकर मित्रों से, आप यानी कि किसी भी क्षेत्र में नौकरी में आपको तबादला या फिर ट्रांसफर या फिर किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा सावधानी रखें, आपकी किस्मत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। मसूर की दाल, लाल चीजों का दान करें, बजरंग बली की पूजा आराधना करें। बात करें धनु राशि की, तो आपके लिए संतान योग बन रहे हैं, साथ ही प्रेम में आपको
यानी लाभ मिलेगा, प्रेम में जीत मिलेगी, शिक्षा में सुधार होगा, कंपटीशन वगैरह में लाभ होगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीली चीजों का दान करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, और साथ ही साथ जैसे कि केले वगैरह का दान करें, पीले वस्त्र, पीले फल का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। बात करें अगर हम मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों आपके लिए यह सूर्यग्रहण काफी अच्छा रहेगा। जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन का लाभ होगा, माता से सुख प्राप्त होगा, कई प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करेंगे। तो आपको यानी कि अशुभ प्रभाव से बचने के लिए काले तिल का दान करें, काली उड़द का दान करें, सरसों का तेल का दान कर सकते हैं, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो देखें पराक्रम में वृद्धि होगी, अपने पराक्रम के बल पर कई प्रकार की महत्वपूर्ण यानी कि कामयाबी अर्जित करेंगे। छोटों से थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो सकती, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने से छोटों से आपको भी मसूर की दाल नहीं यानी कि आपको काले तिल और सरसों का तेल और साथ ही काली उड़द का दान करें। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, बहुत लाभदायक रहेगा। बात करें मीन राशि के लिए, देखें मीन राशि जातकों आपको धन में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, वाणी पे मिठास आएगी, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा। आपको इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पीली चीजों का दान करें और ओम ब्राह्म ब्रीम सह बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। तो यह था दोस्तों यानी कि भारत में कहां कहां यह दिख रहा है इसकी जानकारी हमने दिया, किस दिन लग रहा है, कितने बजे लग रहा है, सूतक काल कब शुरू होगा, और किस राशि की सोई यानी चमक रही है किस्मत, किस राशि की चमक रही है किस्मत, दोस्तों संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने बताया। दोस्तों अगर आप यानी कि इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि जनहित और जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय सूर्यदेव।